हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी माय इमरजेंसी किट, एक्चुअली व्हाट्स इन माय इमरजेंसी किट। ये जो इमरजेंसी किट है मैं हमेशा कैरी करती हूँ जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ या फिर घर से बाहर जाती हूँ। एंड मेरे ख्याल से जो लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उन लोगों के पास एक इमरजेंसी किट होनी चाहिए। ये जो इमरजेंसी किट है ये मेरे नीड्स के अकॉर्डिंग मैंने कस्टमाइज की है। आपके नीड्स के हिसाब से एक इमरजेंसी किट कस्टमाइज कर सकते हैं। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो ये जो पाउच है ना, ये एक्चुअली शुगर ने मुझे सेंड की थी। शुगर की पीयर मुझे रिसीव होते हैं एंड शुगर की पीयर में बहुत सारे पाउचेस भी रिसीव होते हैं। बहुत ही प्रिटी लुकिंग पाउचेस होते हैं उन लोगों के। आप चाहे तो शुगर की जो वेबसाइट है वहां पे जाके पाउचेस भी परचेस कर सकते हैं या फिर अमेजन में बहुत सारे ऑप्शन है पाउचेस की, ट्रेवल पाउचेस की, मेकअप पाउचेस की, तो वहां से भी आप परचेस कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड इस पाउच में ना बहुत सारे सामान जो है फिट भी हो जाते हैं एंड बहुत ही सुंदर है दिखने में। नियॉन ग्रीन कलर की है एंड ये पाउच इजीली फिट हो जाते हैं मेरे ऑफिस टोट बैग में, तो कैरी करने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता है। तो एक एक करके मैं दिखा देती हूँ क्या क्या मैं इस पाउच में कैरी करती हूँ। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है लाइफ बॉय की ये सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, बेसिक हैंड सैनिटाइजर। तो इसे ना मैं बैग की जो अंदर की छोटी पॉकेट है ना उसके अंदर मैं कैरी करती हूँ। नेक्स्ट जो मैं कैरी करती हूँ वो है माउथ फ्रेशनर, तो ये है च्युइंगम। एंड कभी कभी मैं मिंट भी कैरी करती हूँ। मुझे बैड माउथ ऑडर या फिर बैड बॉडी ऑडर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमेशा मैं एक मिंट या फिर च्युइंगम अपने बैग में कैरी करती हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, लंच करती हूँ, तो आफ्टर लंच मैं एक ले लेती हूँ मिंट या फिर च्युइंगम, या फिर जब मुझे फ्रेश फील नहीं होता है तब मैं एक ले लेती हूँ। उसके बाद मैं एक कोम कैरी करती हूँ, ये वुडन कोम है। मैं कोशिश करती हूँ वुडन कोम यूज करने की, लेकिन ये जो कोम है ना ये थोड़ा सा बड़ा साइज में है। मैं बहुत जल्दी एक छोटा सा कोम परचेस करूंगी अमेजन से। नेक्स्ट है फेस मास्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ। एंड एक फेस मास्क मैं बैग के जो बैक पॉकेट है उसमें कैरी करती हूँ। एंड एक एक्स्ट्रा फेस मास्क मैं हमेशा इस इमरजेंसी किट में कैरी करती हूँ। तो नेक्स्ट है मेडिसिन, तो एक ORS की सैशे मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने बैग पे। एंड जो रिसेंट मेडिसिन मैं ले रही हूँ उसे भी मैं कैरी करती हूँ। नेक्स्ट है माई इनहेलर, यस मैं इनहेलर लेती हूँ, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही मतलब 2-3 मंथ में एक बार मैं लेती हूँ, बट मैं हमेशा इसको कैरी करती हूँ इन केस अगर मुझे लग जाए तो प्रॉब्लम ना हो मुझे। ओके, नेक्स्ट जो इस पाउच में है वो है बटिस्ट की ड्राई शैम्पू। ये ट्रैवल साइज में है, ऐसे सेम ट्रैवल साइज के एक बटिस्ट की जो ड्राई शैम्पू है वो मैं मेरे जिम बैग में कैरी करती हूँ। एंड एक फुल साइज भी है जो कि मेरे वैनिटी में है, लेकिन मैं इसे रोज नहीं अप्लाई करती हूँ अपने हेयर पे। एक्चुअली क्या होता है कि मैं एवरीडे बेसिस ना वर्कआउट करती हूँ जिससे मेरे स्कैल्प जो है बहुत सा ऑयली एंड स्वेटी हो जाता है, तो अगर मुझे ऑफिस से कहीं पर जाना होता है तब मैं इसे अप्लाई करती हूँ अपने हेयर में। नेक्स्ट है क्विक रिलीफ, ये एक्चुअली मैंने रिसेंट ऐड की है अपनी इमरजेंसी किट पे। रिसेंटली मेरे पैरों में मोच आ गया था तो नवाब ने ये मुझे परचेस करके दिया था, तब से मेरे बैग में है। यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मसल क्रैम्प आ जाए या फिर मोच आ जाए तो आप इसे फटाफट यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी और को प्रॉब्लम हो तो आप उसे दे भी सकते हो, तो ये क्विक रिलीफ मैं हमेशा कैरी करती हूँ। नेक्स्ट है टॉयलेट सैनिटाइजर, ये यू स्प्रे ब्रांड से है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है। जो लोग स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस जा रहे हैं उन लोगों के पास ये होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि पब्लिक जो टॉयलेट है उसे यूज करते हैं। अगर आप पब्लिक टॉयलेट एवरीडे बेसिस यूज कर रहे हो तो आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस रहता है। तो ये क्या करता है, टॉयलेट जो पॉट होता है ना उसको सैनिटाइज करने में हेल्प करता है, तो आप इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये टॉयलेट सैनिटाइजर यूज कर सकते हो। मैं तो हमेशा कैरी करती हूँ अपने बैग पे। नेक्स्ट है ये डायरी छोटू सा, इसके अंदर मैं डेली एक्सपेंसेस लिखती हूँ एंड एक हाइलाइटर है एंड एक पेन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ये क्विंच की हैंड क्रीम। मैं एक्चुअली फेस शॉप की हैंड क्रीम यूज करना पसंद करती हूँ, लेकिन ये मेरे पास रिसेंटली रिसीव हुआ है, क्विंच ने मुझे सेंड किया था, तो इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है एंड बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है। मेरे हाथ जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है क्योंकि मैं डेली बेसिस बहुत घंटों तक मैं AC में रहती हूँ, जिससे मेरे हाथ जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो यस ये है। नेक्स्ट उसके बाद एक छोटू सा पिंक कलर की बहुत ही क्यूट सा पाउच है जो कि मैंने अमेजन से परचेस की थी। ये एक सेट में आया था जिसका डिफरेंट डिफरेंट साइज है, तो इसके अंदर है टिश्यू पेपर एंड कॉटन पैड। एंड ये दोनों ही ना मिनीसो ब्रांड की है एंड मिनीसो के टिश्यू पेपर एंड कॉटन पैड्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड बहुत ही अफोर्डेबल है। उसके बाद है बैंडेड्स, तो मैं हमेशा 2-3 बैंडेड्स कैरी करती हूँ, फिलहाल तो अभी एक है क्योंकि बाकी मैंने यूज कर ली है। नेक्स्ट है नेल कटर एंड फाइलर। मेरे नेल्स जो है बहुत ही ज़्यादा
क्या बोलते हैं, नाजुक है एंड बहुत ही जल्दी वो टूट भी जाते हैं, तो इसके लिए मैं हमेशा नेल कटर एंड फाइलर यूज़ करती हूँ एंड रखती हूँ। एंड इसके अंदर कुछ टूथपिक एंड ईयरबड्स है, इसके अंदर बहुत सारे टूथपिक्स एंड ईयरबड्स था पहले, लेकिन वो मैंने यूज़ कर ली है एंड बाकी कुछ ये है। एंड उसके बाद इसके अंदर है जेम्स क्लिप्स सेफ्टी पिन्स रबर बैंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इस पाउच में है परफ्यूम, ये रेनी की ब्लूम परफ्यूम है, ये मेरे करंट फेवरेट परफ्यूम है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, बिल्कुल भी हेडेक नहीं देता है। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो मैं स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस अप्लाई नहीं कर पाती हूँ एंड जो भी परफ्यूम एक्चुअली मैं अप्लाई करती हूँ उसे ही मैं कैरी करके लेके जाती हूँ। एंड इसका साइज़ भी बहुत ही अच्छा है, ट्रैवल साइज है, तो इसे मैं कैरी कर रही हूँ अभी फिलहाल। नेक्स्ट है फेबिस्टिक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ महीने पहले मुझे एक फ़ोटो चिपका था मेरे एक डॉक्यूमेंट्स में, तो मेरे पास कोई भी ग्लू नहीं था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था उस दिन, तो तब से मैं फेबिस्टिक मैं कैरी करती हूँ। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर स्क्रंचीज, एक्स्ट्रा रबर बैंड एंड टिक टैक क्लिप, स्पेशली समर सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है लिप बाम, ये एकोलॉजी का की लिप बाम है, इसके अंदर SPF है जो कि आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करेगा सन से एंड मैं हमेशा SPF वाला लिप बाम जो है अप्लाई करती हूँ एंड उसके ऊपर मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। ओके, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कैरी करती हूँ इस इमरजेंसी पाउच में वो है ये पीरियड किट, आप पीरियड बैग भी कह सकते हो। तो ये एक्चुअली मैं एवरीडे बेसिस कैरी करती हूँ मेरे पीरियड्स हो या फिर ना हो, क्योंकि मैं इससे दूसरों को भी हेल्प कर सकती हूँ। ये जो आप देख पा रही हो ये डिस्पोजेबल बैग है, ये सिरोना की है एंड मैंने रिसेंटली सिरोना से ये डिस्पोजेबल बैग परचेज की है। एंड ये जो बैग है ना, इसके अंदर आप पैड्स को डिस्पोज कर सकते हो यूज करने के बाद, इससे जर्म्स जो है स्प्रेड नहीं होता है। अगर आप डिस्पोजेबल बैग यूज नहीं करते हो तो मैं कहूँगी आपके पास डिस्पोजेबल बैग होनी चाहिए एंड आपको यूज करनी ही चाहिए। तो इस डिस्पोजेबल बैग के अंदर है एक पैड एंड एक पैंटी लाइनर मैं कैरी करती हूँ एंड एक फ्रेश पैंटी मैं हमेशा कैरी करती हूँ एंड इसके अंदर एक पेपर सोप भी रहता है लेकिन वो ख़त्म हो गया है तो मैं पेपर सोप भी यूज़ करती हूँ तो उसके अंदर ही मैं रख देती हूँ। तो ये छोटा सा एक पाउच आप देख सकते हो मैं हमेशा कैरी करती हूँ एंड यस, ये है मेरा इमरजेंसी किट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लाइफ में एंड मैं इसे एवरीडे बेसिस कैरी करती हूँ एंड इसके वजह से मेरी लाइफ जो है बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो गया है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुआ है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी एंड अगर आपको कुछ जानना है या फिर पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हो एंड या आप फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, हैंडल स्क्रीन पे दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय।